अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 7 वीक अपना स्टार्ट करना है, जिसमें हम करेंगे गज़वा हुनैन के लॉन्ग क्वेश्चन। पेज नंबर 40 पे गज़वा हुनैन के लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें 5 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, गज़वा हुनैन क्यों पेश आया? इस क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 35, क्या ये पस मंज़र कंप्लीट है? रमज़ान मुबारक 8 हिजरी में फ़तह मक्का यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक है वादी उतास में पड़ाव डाला। फिर उसके बाद है हमारा सेकंड क्वेश्चन, गज़वा हुनैन के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबित कदमी का वाक़या बयान करें। इस क्वेश्चन का आंसर है पेज नंबर 37 पर, ये है हेडिंग हमारी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबित कदमी। इस नाजुक तरीन मरहले पर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक है हमारा, फिर मुसलमान इस जोश से लड़े के जंग का रुख ही बदल कर रख दिया। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। फिर उसके बाद है हमारा थर्ड क्वेश्चन, गज़वा हुनैन में कुफार की शिकस्त की वजह बयान करें, यानी गज़वा हुनैन में कुफार को क्यों शिकस्त हुई। इस क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 37 पर, जहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन एंड हो रहा है उसी के आगे से हम इसको स्टार्ट करेंगे। इस दौरान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी भर मिट्टी लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा इसका आएगा नसीब हुई। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। फिर उसके बाद है हमारा, कुरान मजीद में गज़वा हुनैन का तذکرہ किस तरह आया? कुरान मजीद में गज़वा हुनैन का तذکرہ यानी ज़िक्र, और यहाँ पे देखिए पेज नंबर 37 है हमारा, उसी में ये है कुरान मजीद में गज़वा हुनैन का तذکرہ। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक है हमारा, यही काफ़रों का बदला है।